अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गुलाब बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्यानी और इमरान खान की जो काबीना है उसकी पहली विकेट तो गिर चुकी है और बाकी तकरीबन 5 से 6 विकेटें रीशफल हो गई हैं। तो क्या इमरान खान 50 ओवर खेलने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, आइए यहाँ पर मौजूद जाकर लोगों से जानते हैं। आपका नाम? अख्तर जान। अच्छा अख्तर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जो काबीना है उसकी एक विकेट गिर चुकी है, बाकी 5 से 6 विकेटों में रीशफलिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान 50 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएंगे? ये जो रफ्तार जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने, मेरे ख्याल में 10 ओवर भी मुश्किल है क्योंकि इसने इतना महंगाई लाया, लोगों गरीब लोगों के लिए बेड़ा गर्क हो गया। कोई आज इस दौर में इस वक्त गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा, जो ऊपर है इनका जो भी मसला है ये ऊपर कर। इस टाइम में फिर आपको, आप किसको बेहतरीन लीडर देखते हैं? मेरे ख्याल में इससे पहले जो भी इससे अच्छा था नून भी थे और पीपल्स पार्टी, हम जो पीपल्स पार्टी का ज़रा सपोर्ट इसलिए करते हैं कि उसके दौर में ये चीज़ें महंगाई ज़रा कंट्रोल पे होता है, तेल और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी काबू में उनका आता है। अच्छा, पीटीआई वालों का ज़्यादातर लोगों का यही कहना कि पिछली हुकूमतों ने जो किया है, जो बोया हम उसका वो काट रहे हैं, तो आपको क्या, आप इस बात से एग्री करते हैं कि वो ये जो बात कह रहे हैं कि इससे पहले अगर वो महंगाई नहीं थी, जो कर्ज़ा वो लेते रहे या जो भी वो करते रहे, उस वो बोया वो आज हम काट रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो उनका अमल तो कुछ भी नहीं होता, उनका जो ये खाली बातें हैं। और तारीख में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो इसने कर्ज़ा लिया हुआ है, ये मुझे नहीं पता कि आगे ये चल सके, वो बजट आया नहीं, वो बजट के बाद ही बहुत महंगाई आएगा, तो मेरे ख्याल में नहीं चल सके। आपका नाम? अरशद मलिक। अरशद मलिक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि असद उमर को उनकी वजारत से हटा दिया गया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और बाकी वजारतों में भी रीशफलिंग की जा रही है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान पूरे 50 ओवर खेल पाएंगे? जी इंशाल्लाह ये काम करेगा, पूरे 50 ओवर खेलेगा। अच्छी बात है, अगर इनसे काम अगर फर्ज कर नहीं हो रहा तो दूसरी टीम लानी चाहिए, मुतबादल लेकर आए, शायद वो अच्छा काम कर जाएँ और मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। जी जी, मगर इमरान खान कहते थे कि असद उमर हमारी डूबती हुई मईशत को सहारा देंगे, बचाएंगे, मगर उन्हें ही हटा दिया गया है, तो अब असद उमर से बेहतर कौन, किसे ला सकते हैं वो? नहीं, शायद अल्लाह करे कोई चांस बन जाएगा, उससे बेहतर आदमी हो तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश कर रहा है, अल्लाह करेगा बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह बेहतर काम करेगा। तब आप पर उम्मीद हैं? जी हम इंशाल्लाह पर उम्मीद हैं और हम आगे भी इमरान खान के साथ हैं, पहले भी इमरान खान के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह इसके बाकी लोग भी अच्छे हैं, काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इब्राहिम अहमद। अच्छा इब्राहिम, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की जो काबीना है उसकी एक विकेट तो गिर चुकी है, बाकी विकेटों में जो है ना रीशफलिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान 50 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएंगे? यार मुश्किल है कि वो कामयाब हो जाए, इंशाल्लाह वो नहीं कामयाब हो जाएगा, उसकी तीसरी छोटी विकेट भी बहुत जल्दी गिर जाएगी। आप इस सिचुएशन में किसको बेहतरीन लीडर देखते हैं फिर, इसके अगर वो नहीं कर पा रहे तो कौन ऐसा बंदा है जो इस गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चला सकता है? यार सिराजुल हक जो है वो अच्छा बंदा है, वो इंशाल्लाह हुकूमत को चलाएगा। तो आपने जो है ना जब इलेक्शंस होते हैं उनके लिए कैंपेन करके उनको जितवाया क्यों नहीं? यार वो तो इस तरह है कि एमएमए के साथ इत्तेहाद हुआ तो इसलिए हमको सपोर्ट भी नहीं किया उनको, इस वजह से वो रह गया। अगर कह रहे हैं कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि गवर्नमेंट को चला सकता है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं कोशिश की कि वो जीते, आगे गवर्नमेंट में आए ज़्यादा, मतलब इसके लिए आप इलेक्शंस के टाइम में कैंपेन करते, कुछ इस तरह का करते कि वो जीते और आगे आते? हमने उसके साथ कैंपेन किया है, लेकिन जब उसने एमएमए के साथ इत्तेहाद किया, हम मौलाना फजल रहमान डीजल को हम नहीं मानते हैं ना, तो इसलिए हम वो सिराजुल हक नहीं गया आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अरसलान तवासुम। अरसलान, आपसे ये सवाल है कि जैसे आप जानते हैं असद उमर ने रिज़ाइन कर दिया और बाकी 5 वजारतों में रीशफलिंग की गई है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान बाकी 50 ओवर पूरे खेल पाएंगे? जी लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, फिलहाल ये है कि जो करंट सिचुएशन जा रही थी, जिस तरह मतलब अभी 2-3 माह से ऑलरेडी बजट लेट है, ठीक है, तो करंट सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से तो ये ठीक किया गया, क्योंकि अगर अभी भी बजट नहीं आता और मज़ीद डिले होता है तो इससे क्राइसिस मज़ीद बढ़ते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, हमारे शेयर डाउन हो चुके हैं, हमारे 97 अरब डॉलर के जो असासे हैं स्टॉक मार्केट के वो कम हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए किसी ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा। अब अगर एक बंदे से नहीं हैंडल हो रहा तो ऑब्वियसली किसी और को ट्राई करना चाहिए। मगर जब यूँ ही वज़रा तब्दील करते रहे और सब अपनी कारकर्दगी ना दिखाते रहे, तो फिर आपको क्या लगता है कि इसी तरह मईशत हमारी मजबूत हो पाएगी? नहीं, अगर ऑब्वियसली अगर ये भी ना चला तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा, मतलब
फिर तो ओवर्स तो नहीं पूरे होंगे अगर इस तरह हुआ तो। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने नाम भी अनाउंस कर दिया है आई थिंक सो, ठीक है, तो उसका भी पता लग जाएगा विद इन वन मंथ आई थिंक, क्योंकि जितने हमारे ऊपर अभी हम डेबिट हो चुके हैं तो ये डेबिट को कम करने के लिए आई थिंक अगर उसने रिज़ाइन दिया है कि मैं इसको नहीं ख़त्म कर सकता तो ये एक गुड साइन है, क्योंकि मतलब अगर एक बंदा कहता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में कम्पिटेटिव नहीं हूँ, ठीक है, तो ये उस लिहाज से तो एक अच्छी बात है। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजाद अस्कर गोंदल। अच्छा सजाद साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की काबीना की एक विकेट गिर चुकी है, बाकी विकेट जो है ना विकेटों में शफलिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान 50 ओवर खेलने में कामयाब हो जाएंगे? बेशक, मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे। अब ये नहीं देखना कि हमने बाकी टीम उसका काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक बंदा जो लीडर है वो काम कर रहा है तो आई थिंक सो बेटर, हमने चूज़ किया है सो हमें वक्त देना चाहिए कि वो इस पर। आपको लगता है अकेले इमरान खान पूरी पाकिस्तानी कौम को ठीक कर सकते हैं? आई थिंक सो, मुझे लगता है, क्योंकि हमने बाकी काबीना को देख के वोट नहीं थे दिए, हमने जब वोट दिए थे तो इमरान खान को देख के वोट दिए थे, तो मुझे लगता है कि हम अगर बाकी लीडर्स को वोट देते हैं तो नवाज शरीफ को देख के वोट देते हैं, तो यहाँ पे अगर वोटिंग की गई है तो इमरान खान को देख के की गई है, तो उम्मीद है एक ऐसा लीडर हमें मिला है कायद अजम के बाद जो कि पाकिस्तान को आगे ले कर चला गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि असद उमर के बारे में ख़ुद इमरान खान ने कहा था कि वो हमारी आखिरी उम्मीद हैं, डूबती हुई मईशत को वो जो है ना एक अच्छे मईशत को बेहतर करने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन असद उमर ने जब वजारत छोड़ दिया तो इमरान खान ने खुद कहा था आखिरी उम्मीदें, तो मतलब फिर हमारी उम्मीदें टूट नहीं जानी चाहिए इस बात के बाद? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, होता है अगर हम मतलब किसी को एवरेज के हिसाब से क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो क्रिकेट में लेके आते हैं तो उसकी देखते हैं कि एवरेज ठीक है तो हम उसको ले आते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो वो बैट्समैन नाकाम रहता है तो फिर हम उसकी शफलिंग करते हैं कि नेक्स्ट जो आने वाला बंदा है वो शायद इससे बेटर हो, बेटर कर सकता है। बाकी जो वज़रा हैं उनके बारे में भी अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान ने जिसको जो वजारत दी थी उसको उसमें बेस्ट समझ के दी थी, तो अभी जो नए आए हैं, जो वजारतें चेंज हुई हैं, तो जो नए लोग आए तो आपको लगता है कि वो उनमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं, जहाँ बात आपने की है ना कि उन्होंने बंदे अच्छे देख के उनको चूज़ किया था, ये नहीं है, वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पर्सन थे जिनको वो सिलेक्ट करना पड़ा है, जैसे उस्मान बाजार को देख लें वो नहीं थे इस काबिल के उनको लेके। फिर उनको क्यों लाया गया? बस हम देख लेते हैं कि बात करते हैं जो बंदे लेके आए हैं हम नीचे से उनका क्या नाम है। फिर तो ये आपका कहना होगा कि इमरान खान के अपने ही फैसले कुछ गलत हैं जिसमें उन्हें यही समझ नहीं आ रही कि किसको क्या वजारत देनी है, किसको क्या ओहदा देना है, तो जिस बंदे से अगर यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि ओहदे और वजारतें कैसे देनी है तो मुल्क को कैसे चला पाएगा? इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ये है कि इमरान खान जो है ना इंसान ही है और इंसान से ही गलती होती है और गलतियों से इंसान, लेकिन गलतियों पे गलतियां यू टर्न, इसमें क्या कहेंगे आप? यू टर्न कभी कभार लेने पड़ते हैं मुल्की माशियत को, कुछ ज़्यादा नहीं लिए जा रहे, कहीं पर ज़्यादा भी लेने पड़ जाते हैं शायद, मुझे लगता है जहाँ पे लेने चाहिए वो ले रहे हैं, पहले मतलब वो क्या ले रहे हैं कि जोश में आके बंदा अपनी हुकूमत में आने के लिए कहता है वादे करूँगा मैं ऐसा कर लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्टडी की बात कर लें, हम मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में वो कोई मौलवी हमें लेक्चर दे रहा हो तो हम कहते हैं आज ही हमने ये काम करना, लेकिन बाहर आते हैं तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा हम हट जाते हैं। इमरान खान भी एक जज्बाती स्टूडेंट की तरह है, थोड़ा सा जज्बाती मैं कह सकता हूँ कि हमारा लीडर जो है ना, लेकिन उसमें बहुत चेंज आ गया, जैसे वो पहले मतलब रिएक्ट करते थे उससे बिल्कुल हट के आ गए हैं वो, बहुत कम होता है कि वो आए और उन्होंने कोई जलसे में ऐसी कोई बात कह दिया, बाकियों को भी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मिलें और मुल्क को आगे लेके चलें जहाँ तक। सही है, ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौजूद जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उन सब में इमरान खान के इस फैसले को लेके बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी देखने में मिली है, उन सब का यही कहना है कि इमरान खान ने जिन लोगों को वजारतें सौंपी थी उनको बेहतरीन समझते हुए ये वजारतें दी गई थी, अगर वो इन वजारतों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो अब जो नए लोगों को ये वजारतें दी गई हैं तो वो कैसे इनमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, देखते रहिए विजन टीवी, अल्लाह हाफिज़।